अस्सलाम वालेकुम इंटर जी फिजिक्स था स्टार्ट किया हूं चैप्टर असान चैप्टर नंबर जो 190 जो वो आई बुक छो ते अना चेंज न थियो आ इंशाल्लाह इन जो साल अगर चेंज थे सही आ अदरवाइज था असने के टेंशन न था ठीक है। हीट छ है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक हीट छ के त चो सा हीट जे का है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी आ एनर्जी छा है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क के असा एनर्जी चवंदासीं सही है। हीट गर्मी की शक्ल में होंगी अस इनके मेयरमेंट कहूँ वह कहूँ डिग्री में ठीक है उनके माप हुआ डिग्री में ठीक है। अगर जो फूड एनर्जी आसके कैलोरीज में मोकिलासी इस तरह गाल क्लियर थी एक कैलोरी के अंदर चार डिग्रीज होंगे हाँ उनका अस चुता तो हीट छो तो फॉर्म ऑफ एनर्जी आ एनर्जी जो यूनिट अस ठीक है तो इन जो अस यूनिट जो जूल थी जै इंस्ट्रूमेंट से अस कें भी हीट जी के माप क्यों या उनकी मेयरमेंट क्यों तो उनके थर्मामीटर चाहिए चाहिए थर्मामीटर थर्मामीटर जहाँ वे टे टाइप्स थर्म से अच्छा हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जहाँ असि मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक ये किथा का वी सोर्स टू सिंक मूव कहीं सिंक अस ऑब्जेक्ट ऑफ लो टेंपरेचर वो ऑब्जेक्ट जिनो टेंपरेचर लो हो सिंक चाहबो वो ऑब्जेक्ट जिनो टेंपरेचर हाई आ ठीक है उनके अस सोर्स चवंदी इस गाल क्लियर थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कप चाय रखा उनमें अस टी था वेजूँ बे में अस आइसक्रीम था वेजूँ ठीक है तो हि जो अस टी थी वही या थी वही सोर्स ठीक है हि जो थी अस वही सिंक हाँ यहाँ तो जो हीट ट्रांसफर थी वह साइड से थी इस तरह गाल क्लियर थी छो तो हीट जी वह सोर्स टू सिंक मूव कहती है मतलब हॉट टू कोल्ड बॉडी मूव कहती है उन जो टेंपरेचर हेडे नो मूव कर सके ये ना है वो भी सही पर वो वो सेकंड लॉ में अची वो इन फिलहाल अस कूल बॉडी का हॉट बॉडी की तरफ मूवमेंट के बारे में ना पढ़ू जस्ट हिंदर अस पढ़ू तो हीट पा चाहे इस तरह गाल क्लियर थी। मैं यो थी चवान तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के भी अस हीट चवंदा काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स उनके भी चाहबो हीट चाहबो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो नोन एज हीट इनके भी अस हीट चवंदा काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ड्यू टू मोशन हुई सही है जैसे अस कें भी टेंपरेचर था दूँ या अस उनके फ्लेम से रखू बाह से रखू तो वह मूव थी मथे टेंपरेचर जो मॉलिक्यूल्स हुआ उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट थी तो उन हिसाब से अस यो ची सकता तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल उनके भी अस हीट चवंदी इस तरह गाल क्लियर थी वही हाँ अस चुता तो हीट की जो मेयरमेंट थे थी डिफरेंट साइंटिस्ट आया जिन डिफरेंट जो थ्योरीज दिन्यू सही यूनिट क्लियर थी ठीक है मेयरमेंट जो है वह इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लियर थी डेफिनेशंस क्लियर थी ही वाले ठीक है उनका हाँ अस चुता तो जो थर्मामीटर्स हुआ उ टे टाइप्स हुआ ठीक एक टेंपरेचर जिन्हें सेल्सियस टेंपरेचर चाहबो थर्मामीटर चाहबो बो केल्विन है एक फारेनहाइट ठीक है जो अस सेल्सियस से काफ़ी टीचर्स सेल्सियस भी चवन था सो डिपेंड्स अपॉन यू प्रोनाउंस कर ठीक है छो तो इंग्लिश जो ब लैंग्वेजिस ब्रिटिश भी है अमेरिकन भी है कुछ कुछ तो यूज कर कुछ कुछ असा सेल्सियस था चाहूँ थर्मामीटर जो थर्मामीटर स्केल्स में एक हेठों पॉइंट होंगे जैसे अस एल एफ पी चवंदा तक ऑलरेडी पढ़ायल है मुझे लोअर फिक्स पॉइंट चाहबो लोअर फिक्स पॉइंट थी सही है इन तरीके से अस यू एफ पी आ अपर फिक्स पॉइंट हर एक थर्मामीटर जो पांजो एल एफ पी भी हों यू एफ पी भी हों एल एफ पी जो सेल्सियस जो है वो जीरो डिग्री का स्टार्ट 100 डिग्री पे एंड इट मीन्स
ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਸਾਂਟ ਕੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ 100 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਂ ਪੋਇ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਥੀਂਦੋ 32 ਡਿਗਰੀ ਖਾਂ ਐਂਡ ਥੀਂਦੋ ਬਸ 12 ਤੇ 212 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹਿਤ ਜੇਕੋ ਅਸਾਂਟ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਮੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਂ ਪੋਇ ਥਰਡ ਸਕੇਲ ਜੇਕੋ ਉਹ ਅਸਾਂਟ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਆ ਠੀਕ। ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਜੋ ਜੇਕਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਥੀ ਵਈ 273 ਖਾਂ ਸਟਾਰਟ ਥੀਂਦੀ ਐਂਡ ਜੇਕੋ ਥੀਂਦੋ 373 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਥੀਂਦੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ 100 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਆਇਓ। हाँ मैं चाहती तो जो हन जीरो बराबर आ 32 जे ए 32 बराबर आ 273 जे ये मिनिमम लेवल्स हैं जो सभी इक्वल थी इस गाल क्लियर थी। जो मथियो लेवल्स हुई 100 या 212 या 373 ये भी पाँच लेवल्स इन डिफरेंस असम करना सेम मिली गया इस गाल क्लियर थी। समझ में सजो अची वो ठीक है। हाँ अस चाहूँ तो असं टेम्परेचर फॉर्मूला है या थर्मोमीटर फॉर्मूला है वो असं चाहिए अपॉन 5 बराबर एफ माइनस 32/9 असा इन फॉर्मूले के हिसाब से सेंटीग्रेड भी फाइंड आउट कर सकता फेरनहाइट भी फाइंड आउट कर सकता सागे तरीके से असान जो कैल्विन उनके फॉर्मूलो असान चाहे तो सेंटीग्रेड प्लस 273 इन लोअर फिक्स पॉइंट अगर एड कहीं तो असान सेंटीग्रेड अची वो हाँ अस चाहता कहूँ जो पैर मैं चाहती 40 डिग्री सेंटीग्रेड आने कन्वर्ट किया कैल्विन में भी कन्वर्ट किया फेरनहाइट में भी कन्वर्ट किया ठीक है। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर वो फेरनहाइट होंगे जो असं पे बॉडी टेम्परेचर ऐसा वो असा इन का शुरू कदा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल आ 98.6 होंगे इस क्लियर थी। हाँ अस अचूँ था फ�ॉर्मूले के हिसाब से अगर असं क्वेश्चन नंबर ही थोड़ी अस डेटा थे ठीक है। सॉल्यूशन के हिसाब से असं सेंटीग्रेड जो गिवन के 40 डिग्री है कैलविन भी फाइंड आउट करो असंखे फेरनहाइट भी फाइंड आउट करो कैलविन तो डायरेक्ट असं इतने फाइंड था क्यों तो जो कैलविन थी वो बराबर आ सी प्लस 273 सी असा 40 में प्लस कदा 273 तो जो आंसर तुम अची वो वो कैलविन नंबर ठीक है। वो घो तो अचे 303 मुझे ख्याल में चेक कर 313 आई गल समझ में कैलविन इनजो निकली आए इस तीन गाल क्लियर थी। हाँ अस अचू था असंखे मालूम करो हो सेंटीग्रेड जो गिविन हो सो 40 ठीक। हाँ अस इन सोल्यूशन के हिसाब से अगर कड़ू था तो फॉर्मुलो सी अपॉन 4 बराबर एफ माइनस 32/9 मुझे फेरनहाइट फाइंड आउट करो तो मैं इन मल्टीप्लाई क्यों इन क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों इतो 9 सी इन पास आया 5F पर छो तो हेटा ब टर्म्स उनके असं ब्रैकेट में रखी कर 32 लिखियोसी तो हि 5 इन से मल्टीप्लाई थन हि 5 इन से मल्टीप्लाई थन 9×40 अस फॉर्मुले दिनल बराबर अस 5 थो इन पास असो फेरनहाइट अस फाइंड आउट करो ठीक है। ए 32 असं फॉर्मुले चाहिए इनके पे मल्टीप्लाई कर छोड़ ठीक। ये असं 5F इनके जैसे 500 के 32 से मल्टीप्लाई कौ तो 160 ऐसे समझ में आई। हाँ अस 160 के इन पास शिफ्ट था क्यों छो तो असें 5F सिंगल खपे फेरनहाइट अकेले करने लगे 36 जो 100 हुआ उन माइनस माइनस वो होना इन पास अच्छी असान प्लस थी वो बराबर थो असान 5F हाँ मैं 5 के हेटा डिवाइड किया 5 के साइड डाउन डिवाइड किया तो एफ असा अकेली थी वे तो जो फेरनहाइट असा मल्टीप्लाई कर वो सी प्लस के पुट ठीक है डिवाइड किया 152 समझ में आया इन तरीके से सेंटीग्रेड भी कड़ी सकूँ फेरनहाइट भी कड़ी सकूँगा क्लियर थो। हाँ इन में तुम पा कड़ी छो जो फेरनहाइट जो 75 डिग्री जो सो दिनल हो ठीक है तो सेंटीग्रेड भी फाइंड आउट किया कैलविन भी फाइंड आउट किया
इस तरह ॻाल्हि क्लियर थी। पक सफ़ा खणो।